नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल टेकर बस और टैंकर के बीच हुई टक्कर में 18 लोगों की मौत हो गई और 19 घायल हो गए थे। इस हादसे की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि जिस बस में इतने सारे यात्री सवार थे उसका इंश्योरेंस तक नहीं हुआ था और ना ही उसका फिटनेस सर्टिफिकेट था, जिसके बाद अब सरकार की नींद टूटी है। यूपी में परिवहन मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने आजमगढ़ में औचक निरीक्षण किया, जिसमें जांच के बाद कई बसों की सीज किया गया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने आजमगढ़ जिले में परिवहन विभाग की टीम के साथ कंधरापुर थाना क्षेत्र में निकट अचानक से छापा मारा। इस दौरान उन्हें कई ऐसी बसें मिली थी जो बिना तय मानकों के सरपट दौड़ रही थी। बसों का ये हाल देखकर मंत्री भी हैरान रह गए। मंत्री जी की इस छापेमारी की कार्रवाई में करीब डेढ़ दर्जन बसें मानकों को पूरा नहीं करने के कारण सीज की गई। आप भी देखिए वायरल वीडियो, कमेंट से बताएं अपने विचार। रॉन्ग साइड गाड़ी, एक तो रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ी करते हैं, रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ा किया बिहार के, देखो ये लगा उसको रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ा किया, एक्सीडेंट हो रहा है।